अर्जेंट सर्जरी के लिए बुलाए जाने के बाद एक डॉक्टर तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसने अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता डॉक्टर की वेट में हॉल में आगे पीछे चल रहे हैं। एक बार डॉक्टर को देखकर पिताजी चिल्लाए, तुमने इतना समय आने में क्यों लगाया? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? क्या आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे खेद है, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और मैं जितनी तेजी से आ सकता था आया। अब मेरी इच्छा है कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम कर सकूं। क्या होगा अगर आपका बेटा अभी इस कमरे में होता तो क्या आप शांत हो जाते? यदि तुम्हारा अपना बेटा मर गया तो तुम क्या करोगे? पिता ने गुस्से में कहा। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं वही कहूंगा जो होली बाइबल में कहा गया है, मिट्टी से हम आए और धूल में हम लौट आए। डॉक्टर्स जीवन को लंबा नहीं कर सकते। जाओ और अपने बेटे के लिए विनती करो, हम भगवान की कृपा से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जब हम चिंतित न हो तो सलाह देना इतना आसान है, पिता बड़बड़ाया। सर्जरी में कुछ घंटे लगे जिसके बाद डॉक्टर खुश होकर बाहर आया और कहा, भगवान का शुक्र है आपका बेटा बच गया है। और पिता के उत्तर की वेट किए बिना डॉक्टर दौड़कर चला गया। डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद नर्स को देखकर पिता ने कहा, वह इतना एरोगेंट क्यों है? वह कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सके ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछूं। नर्स ने उत्तर दिया, उसके बेटे की कल सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह कब्रिस्तान में था जब हमने उसे आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया। तो दोस्तों, सभी स्थितियों में शांत रहें ताकि आप जीवन या बिजनेस में बेस्ट डिसीजन ले सकें। और आपके द्वारा किए गए एक्सीलेंस वर्क्स के लिए डॉक्टर्स को धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।